तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पर ICDS बिहार आंगनवाड़ी यानी कि आंगनवाड़ी के बारे में। आंगनवाड़ी में कुछ यहाँ पर बहाली आई है जिसमें सेविका और सहायिका का इसमें बहाली आई है और जिसमें आपको क्या क्या कितने सारे पोस्ट हैं और इसका लास्ट डेट कब तक है इसका अप्लाई का और कब से शुरू हुआ है। साथ ही साथ में इसमें पेमेंट कितना मिलेगा पर मंथ और इसमें बताया गया है साथ में कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसका मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक करते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने जितने भी सारे फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये समाहरणालय शिवहर जिला का ये वैकेंसी आया है जिसमें आप सभी को बिहार के शिवहर जिला का यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं जिसमें आंगनवाड़ी की वैकेंसी है जिसमें उसमें बताया गया है। मैं ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ। इस नोटिफिकेशन का लिंक अब मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जहाँ से इस वाले नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। तो आप कौन से जिला से हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर लिखा हुआ है आवेदन प्राप्त स्थान की तिथि, यानी कि आवेदन आपको प्राप्त करना है यानी कि जिला समाहरणालय कार्यालय समाहरणालय शिवहर। आपको तिथि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 7 मई 2022 से लेकर 26/5/2022 तक अवकाश अवधि को छोड़कर, यानी कि जो छुट्टी होगा उसको छोड़ देना है। उसका भी अलग से उसका जो आपको 15 दिन टाइम जो भी टाइम दिया जाएगा उसका अवधि छोड़कर आपको इतना दिन के अंदर कर लेना है। और बंधिक मेघा सूची प्रकाशन की तिथि यानी कि जो इसका मेरिट लिस्ट जब तैयार होगा तो इसका 3/6/2022 तक अवकाश अवधि छोड़कर और इसका आपाति लेने की तिथि यानी कि जो इसका रसीद जो मिलेगा उसका यहाँ पर इतने तारीख तय यानी कि 3/6/2022 से लेकर 10/6/2022 तक यहाँ पर अवकाश अवधि को छोड़कर। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखेंगे पोस्ट आपको यहाँ पर रिक्त सेविका सहायिका के लिए यहाँ पर बताया गया है। प्रखंड बाई प्रखंड यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर पंचायत का नाम दिखाया गया है, यहाँ पर वार्ड का नाम दिखाया गया है, यहाँ पर केंद्र संख्या इसमें सेविका या सहायिका के यहाँ पर रिक्त पद और यहाँ पर सहायिका का रिक्त पद और यहाँ पर बहुलक वर्ग देखेंगे और यहाँ पर स्थल का नाम, यहाँ पर आम सभा तिथि का डेट यहाँ पर दिया गया है। सभी आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सेविका सहायिका के लिए चयन हेतु शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, यहाँ पर मैट्रिक पास यहाँ पर होना चाहिए सेविका के लिए और सहायिका के लिए 8वीं पास आपको होना चाहिए। ये एज की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए जो मूल प्रमाण पत्र के अंतर्गत होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर मतदान एवं निवासी होने की योग्यता यहाँ पर देखेंगे तो आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित कार्ड पोशाक क्षेत्र का स्थायी निवासी एवं मतदान होना अनिवार्य होगा अथवा आवेशिक आवेदिका के पति या ससुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदान सूची में अंकित होना चाहिए तभी आपका यहाँ पर हो पाएगा। साथ में यहाँ पर आयोग्यता की बात करें तो यहाँ पर आवेदिका की जिनकी आय 12,000 है उनका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो तो उसे भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका मान लीजिए अगर कहीं से अगर 12,000 रुपये का इनकम अगर आता है तो आप उस तरह के फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे सामान्य आंगनवाड़ी सेविका को मान्य दिया हुआ 5600 रुपया और यहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी सेविका के लिए आपको 4400 रुपया मिलेगा और यहाँ पर सहायिका के लिए 2800 रुपये प्रति माह देय है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर देखेंगे यदि किसी कारणवश वक्त निर्धारित तिथि के चयन नहीं हो पाता है तो उसके अगले सप्ताह उसी दिन व समय के अवार्ड की आम सभा की बैठक में निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा गया है, रिक्त जानकारी के लिए यहाँ पर ये वाला वेबसाइट दिया गया है siwhar.bih.nic.in, इन पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्रोग्रामर का यहाँ पर शिवहर के लिए यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी कितने कौन सी जिला से हैं, बिहार के कौन से जिला से हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही आप सभी का जितने भी जिला का यहाँ पर वैकेंसी आएगा उसी तरह से मैं आपको जिस तरह से इस वैकेंसी के बारे में डिटेल बताया उसी तरह से मैं सभी जिले का जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप सभी जिले का यहाँ पर कमेंट्स यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको सभी जिले का मिले। तो सभी जिले का मिलने के लिए आप चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल पाए। यहाँ पर यहाँ पोस्ट की बात किया तो पोस्ट यहाँ पर टोटल 22 यहाँ पर शिवहर जिला में है जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप कौन से जिला से हैं। जय हिंद।